hello students welcome to online class let's start the chapter number 4 carbon and its compounds in this chapter we discussed about that uh, how the carbon always form covalent bond how carbon attain noble gas configuration and the formation of a single double and triple bonds between molecules of hydrogen oxygen and nitrogen and then uh, physical properties of covalent bond and if possible we discussed about that uh, versatile nature of carbon also okay introduction the element carbon is a non-metal its symbol is capital letter c so a non-metal is a symbol capital letter c hey carbon is versatile element the percentage of carbon प्रेजेंट इन the earth क्रस्ट is इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स is 0.02 पॉइंट जीरो टू परसेंटेज एंड इन एटमॉस्फियर एज कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज देखो कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है वर्सेटाइल क्यों है वो आगे पढ़ेंगे हम और कार्बन हमारे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर कित मिनरल्स के फॉर्म में मिलेगा तो वो कितना परसेंटेज है जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंटेज है और एटमॉस्फेयर में है जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है उसका जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंटेज में है फिर ओके okay? नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कॉम्पाउंड्स सारे लिविंग थिंग्स रहें दो चाहे प्लांट्स रहें दो चाहे एनिमल्स रहने दो ये सारे कार्बन बेस्ड कॉम्पाउंड्स ही बना हुआ है जो फिर ओके okay? नेक्स्ट है कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स ही फॉर्मेशन करता है देखो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज सिक्स कार्बन का एटॉमिक नंबर है सिक्स है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है सो so, सिक्स है तो देखो के शेल में मैक्सिमम टू फिल कर सकते हैं एल शेल में मैक्सिमम एट फिल कर सकते हैं लेकिन हम एटॉमिक नंबर देखें तो सिक्स है ना तो के शेल में टू फिल हो जाएगा और एल शेल में सिक्स में से टू गया तो रिमेनिंग कितना है फोर इलेक्ट्रॉन्स फिल रहेगा एल शेल में फिर ओके सो हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन फर्स्ट पॉइंट देखो कार्बन इज टेट्रावेलेंट इट डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड बाय ईदर लूजिंग फोर इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग फोर इलेक्ट्रॉन्स सो कार्बन एक टेट्रावेलेंट है टेट्रा मींस फोर वैलेंट होती है जो यानी आउटर मोस्ट में फोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है सो so, ये एक आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता है तक लूजिंग नहीं करते फोर इलेक्ट्रॉन्स को और गेनिंग भी फोर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करता है फिर ओके क्यों बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड फोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव फोर इलेक्ट्रॉन्स इतना डिफ़िकल्ट होता है कि फोर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए या इतना एनर्जी चाहिए अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए फोर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव होने के लिए इसलिए ना वो लूज करता है ना वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को फिर ओके सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्डिंग बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम्स और विद द अदर एलिमेंट एंड एटीन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन इसीलिए कार्बन क्या करता है ना लॉस करेगा ना गेन करेगा वो सिर्फ शेयर करेगा बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन्स कार्बन uh, से कार्बन शेयर कर सकता है या दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करके नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन मेंटेनेंस करता है फिर ओके okay? सेकंड है द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन क्लोरीन आल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स है ना दूसरा जैसे एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है क्लोरीन है, है ये सारे भी बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है और ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से फिर नेक्स्ट द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट आइटम्स इज कोवलेंट बॉन्ड जो बॉन्ड शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स को सो इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करता है सो अटेन करने के लिए नोबल गैस है सेम हो सकता है या डिफरेंट आइटम्स के साथ उसी को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड ओके फर्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स H2 हैं सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वन है तो वन इलेक्ट्रॉन रहेगा और मॉलिक्यूल्स के होने के कारण दो हाइड्रोजन एटम्स है इसमें सो दैट इज़ एक के पास एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन से ये दोनों क्या करेंगे शेयर कर रहे हैं देखो एक्स मार्क दिया हुआ है तो दैट इज एक इलेक्ट्रॉन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन से इसका है ये दोनों शेयर कर लिया और सर्कल में बता रहे हैं तो शेयर करने से दोनों भी सेटिस्फाइड हो गया है जैसे के शेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा टू तो देखो इसमें टू फिल हो गया है फिर तो इसलिए ये हाइड्रोजन इस तरह से शेयरिंग करके बॉन्डिंग बना के रखते हैं तो ये वन पेयर शेयर करता है ना इलेक्ट्रॉन्स को उसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड ओके नेक्स्ट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन okay? को देखना मॉलिक्यूल से ओ टू है यानी दो ऑक्सीजन आइटम्स हैं जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है दैट इज़ एट है तो टू फिल हो जाएगा बचा जो बाहर कितना है सिक्स है शेल में सिक्स बचेगा तो इसी ने सिक्स एक्स मार्क दिया हुआ है एक एटम के अंदर ऑक्सीजन के एटम के अंदर दूसरा ऑक्सीजन के एटम के अंदर भी सिक्स एटम्स इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसके अंदर भी सो सो इनमें शेयरिंग कर रहा है देखो शेयरिंग करने के लिए टोटली आउटर मोस्ट में सिक्स हैं तो फिल्फ करने के लिए कितना चाहिए टू इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फिल होने के लिए मतलब एट के शेल में टू फिल हो गया ऑलरेडी और एल शेल में सिक्स हैं तो एट होने के लिए कितना चाहिए टू चाहिए तो आप एक दूसरे से शेयर करेंगे फिर तो so, देखो सिक्स था और इससे दो शेयर कर लिया है सो so, इस तरह से शेयर करके दोनों भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा ओ टू के फॉर्म में तो so, ये होता है आ, डबल बॉन्ड शेयर करता है जो फिर ओके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड शेयरिंग करता है फिर और नेक्स्ट देखेंगे अब सो टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डबल बॉन्ड बोलते हैं हम अब देखेंगे नाइट्रोजन है सो so, एन है ये टू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन से बना है ये डाइटमिक मॉल आइटम्स हैं ये जो फिर आ, ये देखो नाइट्रोजन में टोटली एटमिक नंबर कितना है दैट इज सेवन है तो सेवन है तो आ, के शेल में टू फिल हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल में एल शेल में कितना होगा दैट इज सेवन माइनस टू फाइव रहेगा तो देखो फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं एक नाइट्रोजन एटम्स में और दूसरे नाइट्रोजन एटम्स में भी उतना ही रहेगा फाइव इलेक्ट्रॉन्स ही रहेगा अब फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए आउटर मोशन में फाइव है तो टोटली एट होने के लिए कितना चाहिए थ्री बॉन्ड्स चाहिए शेयर करेंगे इसमें थ्री बॉन्ड शेयर करेगा देखो नाइट्रोजन है सो तो इससे एक नाइट्रोजन से थ्री शेयर कर लेगा और दूसरा नाइट्रोजन भी उसके साथ थ्री शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा थ्री शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है जो वो तो इसीलिए नाइट्रोजन को हाँ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन एटम्स के बीच में सो so, अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है क्योंकि वन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल से वो भी टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है इसीलिए डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन ही थ्री शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है इसीलिए वो ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं फिर ये भी याद रखना है एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपको फिर नेक्स्ट देखो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वाटर का मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मूला क्या है एच टू ओ है तो हैज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन वन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन ऐटम्स ये किस तरह से बॉन्डिंग शेयर करता है देखो दो हाइड्रोजन आइटम फार्मूला क्या एच टू है तो दो हाइड्रोजन एटम्स हो गया और एक ही एक ऑक्सीजन ऐटम हुआ है सो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा ओटमोस में एक ही रहेगा सो दो हाइड्रोजन एटम्स है तो एक तरफ हाइड्रोजन एक रहेगा इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है एट है टू इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएगा के शेल में तो एल शेल में कितना बचेगा दैट इज एट माइनस टू सिक्स बचेगा फिर सिक्स देखो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के अंदर उसको टोटली कितना करना है एट इलेक्ट्रॉन्स करना है यानी फुलफिल करना है सेटिस्फाइड तो वो क्या करेगा हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन साथ में लेगा बॉन्डिंग करेगा और ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ भी शेयर करेगा बॉन्डिंग करके तो so, टोटली totally, देखो ऑक्सीजन में टोटली एट इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाइड हो रहा है और एक हाइड्रोजन आइटम्स में दो इलेक्ट्रॉन्स सेटिसफाइड हो रहा है दूसरा हाइड्रोजन आइटम में वो भी सैटिस्फाइड कर रहे हैं तो एक दूसरे से शेयरिंग करके जो सेटिसफाइड कर रहा है जो बॉन्ड्स को सो दैट इज दैट वाटर के अंदर किस तरह है वैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में भी इस तरह से शेयरिंग करके रखते हैं फिर करते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन को ओके okay? नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कॉम्पोन्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कोवलेंट कॉम्पोन्डस का फर्स्ट वन देखना कोवलेंट कॉम्पोन्ड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है फिजिकल कोवलेंट कॉम्पोन्ड से लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है फिर क्योंकि इनके अंदर जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज होता है वो बहुत ही वीक होता है देखने में इतना बड़ा लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है लेकिन इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या होता है बहुत ही वीक होता है इसीलिए इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है फिर कोल एंड कॉम्पोन्ड्स का बी पॉइंट है दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड सो ये जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है एटम्स के बीच में शेयर हो जाता है सो so, शेयर होने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है जो चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो कर सकता है फिर इसीलिए ये पुअर कंडक्टर है पूछ सकते हैं कि क्यों जनरली कॉल एंड कॉम्पाउंड से पुअर कंडक्टर है पूछेंगे तो क्योंकि नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्मड ओके क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहते शेयरिंग कर लेता है तो चार्ज पार्टिकल्स होता ही नहीं है फिर सो so फ्लो करने के लिए कैरी करने के लिए जो इसीलिए तो ये पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फिर ओके सो यहाँ तक हम पढ़ लिया फिर आगे क्लास पढ़ेंगे बेस्ट जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे टिल यू टेक केयर योर सेल्फ